लेट्स डिस्कस क्लोरोफॉर्म। अब देखिए, क्लोरोफॉर्म इज एन एनास्थेटिक एजेंट। सो सर्जरी में इसको एनास्थेटिक एजेंट के तौर पे लार्जली यूज किया जाता है। आजकल हम लोग इसको कम यूज करते हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है। ये लीवर डैमेज करता है। सेकेंडली, अगर ये एयर एंड लाइट के साथ एक्सपोज हो तो फॉस्जिन नाम की एक जहरीली गैस प्रोड्यूस होती है जिससे हमारी डेथ हो सकती है। सो अदर सब्सटीट्यूएंट्स आर यूज एज एन एनास्थेटिक एजेंट नाउडेज। अब इसकी डिस्कवरी लिबिक साहब ने किया, याद रखे। सो इट वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लीबिग इन 1831। अब इसको नाम क्लोरोफॉर्म जो आया वो डुमास ने दिया। सो नेम क्लोरोफॉर्म, नेम क्लोरोफॉर्म वॉज गिवन बाय डुमास, याद रखे। अब लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो लेट्स हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब देखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने का सबसे बड़ा तरीका, यानी जिसे हम कमर्शियल मेथड बुलाएंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल मेथड। सो लेट्स हैव कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म को लार्ज स्केल में बनाते समय क्या करना पड़ता है? टेक मिक्सचर ऑफ पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इथिल अल्कोहल एंड वाटर, एंड दिस मिक्सचर इज टू बी हीटेड ऑन वाटर बाथ। ऐसा करने से एट अबाउट 334 केल्विन क्लोरोफॉर्म डिस्टिल्स आउट। सो व्हेन, याद रखे, व्हेन मिक्सचर ऑफ पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद इथेनॉल एंड वाटर इज हीटेड ऑन वाटर बाथ, हीटेड ऑन वाटर बाथ, देन क्लोरोफॉर्म डिस्टील्स आउट, डिस्टिल्स आउट एट अबाउट 334 डिग्री केल्विन। सो 334 केल्विन पे ये चीज होता है। अब इसमें देखो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो लेट्स हैव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर वन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लीचिंग पाउडर दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इट प्रीफर टू रिएक्ट विथ वाटर। हम लोग वाटर बाथ में ये सब लिए हैं मिक्सचर। सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, सो प्रीफर टू रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूसिंग CaOH/2 एंड Cl2। सो इन दिस मैनर डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। अब स्टेप नंबर टू में क्या होगा, इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, वी नो वेरी वेल दैट क्लोरीन फॉर्मड इन फर्स्ट स्टेप इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो एट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीडेशन, जैसे कि CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। सो इट वुड गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेप। सो क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड अलोंग विद HCl। सो दिस इज एसिटल्डिहाइड। सो इस प्रकार से क्लोरीन के ऑक्सीडेशन
क्लोरीन जब इथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएगा एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। नाउ स्टेप नंबर थ्री इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल। सो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल, सो एसिटाल्डिहाइड व्हिच इज फॉर्मड इन सेकेंड स्टेप रिफर टू रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन। सो दिस इज अवर एसिटाल्डिहाइड, इट प्रीफर टू रिएक्ट विद एक्सेस क्लोरीन एंड दिस इज द क्लोरीनेशन स्टेप। ये क्लोरीनेशन है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। सो अब क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स विल गेट रिप्लेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल। ये हमारा क्लोरल है, सो क्लोरल प्रोड्यूस हो गया। अब लास्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरल। इन स्टेप नंबर फोर व्हाट हैपेंस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरल टेक्स प्लेस। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ वो हाइड्रोलिसिस कराएगा किसका, क्लोरल का। सो CaOH बाई टू दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर, क्लोरल दैट इज CCl3CHO कैन बी गिवन एज, ये हो गया क्लोरल। सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस, ये है हाइड्रोलिसिस। सो अब क्या होगा, दिस इज क्लोरल। सो हाइड्रोलिसिस होने से हम लोगों को मिलेगा क्लोरोफॉर्म। सो क्लोरोफॉर्म सो ऑब्टेंड कैन बी गिवन इन दिस मैनर अलोंग विद कैल्शियम फॉर्मेट, सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CHCl3 अलोंग विद HCOO बाय 2Ca दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट। सो दिस इज द क्लोरोफॉर्म। सो ये था कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब सेकेंड मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो बाय रिडक्शन ऑफ CCl4। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड को आयरन पाउडर एंड वाटर इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर आप हीट कराएंगे तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो दिस इज CCl4। सो व्हेन हीटेड विद रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज आयरन पाउडर इन वाटर, सो रिड्यूसिंग एजेंट प्रीफर टू अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोवाइडिंग नेसेंट हाइड्रोजन विच इन टर्न गेट एडेड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो इस प्रकार से हम लोग क्लोरोफॉर्म शॉर्ट स्केल में बना सकते हैं। इसके अलावा क्लोरल हाइड्रेट व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो क्लोरल हाइड्रेट को अगर हम NaOH के साथ हीट कराते हैं तो हम लोगों को बकायदा क्लोरोफॉर्म मिल सकता है एज ए प्रोडक्ट। सो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी गिवन। सो नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म इज फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट, फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। सो व्हाट वी नीड टू डू, सो क्लोरल हाइड्रेट कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो दिस इज नोन एज क्लोरल हाइड्रेट, ये है क्लोरल हाइड्रेट। सो इट इज टू बी हीटेड विथ वॉट, NaOH। इसको NaOH के साथ हीट कराइए, ऐसा करने से वी कैन हैव क्लोरोफॉर्म अलोंग विथ वॉट, सोडियम फॉर्मेट एंड वॉटर। सो दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्लोरोफॉर्म मिल सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। इट इज कलरलेस, प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड। सो याद रखे, इट इज कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है। अब इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज फाउंड टू बी 1.485। सो स्पेसिफिक
ग्रेविटी एज 1.485 ग्राम पर सीसी एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 334 केल्विन, जिसे आप 61 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, याद रखें। सो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, याद रखें। इसके बाद इट इज नॉन इनफ्लेमेबल, लेकिन इसके वेपर्स ग्रीन फ्लेम देके जलते हैं। सो इट इज नॉन इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल बट वेपर्स बर्न विथ ग्रीन फ्लेम, वेपर्स बर्न विथ ग्रीन फ्लेम, ग्रीन फ्लेम देखे, वेपर्स जो है वो जलते हैं। इट इट ब्रिंग्स टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस, एक चीज याद रखे, इट ब्रिंग्स टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस, असर उतरने के बाद हम लोगों को होश आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सो दीज आर सम ऑफ दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट क्लोरोफॉर्म। नाउ आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो लेट्स हैव सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे, दैट हैपेंस टू बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो याद रखे, क्लोरोफॉर्म व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड लाइट और इमीडिएटली अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसिंग फॉस्जिन व्हिच इज डेडली पॉइजनस गैस। याद रखे, क्लोरोफॉर्म इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड लाइट अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म पॉस्जिन विच इज डेडली पॉइजनस। अब ऑक्सीडेशन ना होने के लिए हम लोग इसे डार्क अम्बर कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करते हैं। सो याद रखें, सो टू प्रिवेंट क्लोरोफॉर्म फ्रॉम ऑक्सीडेशन, इट इज स्टोर्ड इन डार्क अम्बर कलर्ड बॉटल्स, डार्क अम्बर कलर्ड बॉटल्स बाय एडिंग 1% इथिल अल्कोहल, बाय एडिंग 1% इथेनॉल। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। सो दिस इज क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3 क्लोरोफॉर्म। सो इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड सनलाइट, एयर एंड सनलाइट, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसिंग COCl2 एंड HCl, दिस इज नन अदर देन फॉस्जिन। सो ये हमारा फॉस्जिन है, दैट इज कार्बोनिल क्लोराइड विच इज अ डेडली पॉइजनस गैस। अब इसे हम अगर इनहेल करते हैं तो दैट में कॉज डेथ, यानी हमारी डेथ होगी, इसमें कोई संदेह है या दो राय नहीं है, याद रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज रिडक्शन। सो लेट्स हैव रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए हम लोग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं उस पे डिपेंड करेगा हमारा प्रोडक्ट।
So if chloroform is reduced by zinc and HCl, then we can have methylene dichloride. So this is chloroform. So when reduced by zinc and HCl, then reducing agent provide nascent hydrogen और क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl2 अलोंग विद HCl. दिस इज कॉल्ड मिथिलीन डाइक्लोराइड. ये है मिथिलीन डाइक्लोराइड. लेकिन अगर हम जिंक डस्ट वाटर के साथ क्लोरोफॉर्म को रिड्यूस कराते हैं, जैसे दिस इज क्लोरोफॉर्म, सो व्हेन रिड्यूस्ड बाय जिंक डस्ट एंड वाटर, देन रिडक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म मिथेन. सो कंप्लीट रिडक्शन होगा क्लोरोफॉर्म का, प्रोड्यूसिंग व्हाट, मिथेन. और जिंक एंड HCl के साथ पार्शियल रिडक्शन होगा. सो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट, रिडक्शन. अब रिडक्शन के बाद बात करते हैं क्लोरीनेशन की. जैसे क्लोरोफॉर्म का सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा, यानी जो एक हाइड्रोजन बचा है वो भी रिप्लेस किया जाएगा. सो लेट्स हैव क्लोरीनेशन रिएक्शन. सो क्लोरोफॉर्म, जिसे हम लिखेंगे CHCl3, व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट कैन आल्सो बी यूज्ड. दिस इज क्लोरोफॉर्म. सो हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CCl4, दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड. सो इस प्रकार से CCl4 हमें मिलेगा अपॉन क्लोरीनेशन. नाउ नेक्स्ट टू क्लोरीनेशन, लेट्स हैव हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस, देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. जैसे कि देखो क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज क्लोरोफॉर्म CH Cl3. इसको मान के चलो हम लोग एक्वियस KOH के साथ बॉईल कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. सबसे पहले तो क्लोरीन रिप्लेस किया जाएगा बाय OH, सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल ट्रायोन. सो दिस इज अनस्टेबल ट्रायोन. अब जो अनस्टेबल ट्रायोन होगा, सो इट वाज क्लोरोफॉर्म. सो अनस्टेबल ट्रायोन प्रीफर टू लूज वाटर, यानी ये क्या करेगा, वाटर लूज कर देगा स्टेबल होने के लिए, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मिक एसिड. सो वी विल हैव CH3COOH, फॉर्मिक एसिड, विच इन टर्न फर्दर रिएक्ट विद नेक्स्ट मोल ऑफ KOH एंड न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म पोटेशियम फॉर्मेट. सो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा होगा पोटेशियम फॉर्मेट जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एंड दिस वॉज फॉर्मिक एसिड, याद रखें. सो इस तरह से हम लोग हाइड्रोलिसिस देख सकते हैं. अब हाइड्रोलिसिस के बाद लेट्स हैव नाइट्रेशन रिएक्शन. सो नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. अब देखो क्लोरोफॉर्म को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो आपको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म मिलेगा. नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इज पॉपुलरली नोन एज क्लोरोपिक्रिन, विच इज यूज एज ए टीयर गैस. सो याद रखे क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू फॉर्म क्लोरोपिक्रिन. क्लोरो पिक्रीन, विच इज यूज्ड एज अ टीयर गैस. इसको हम टीयर गैस के तौर पे यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द क्लोरोफॉर्म. सो क्लोरोफॉर्म को हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करेंगे, दिस इज व्हाट क्लोरोफॉर्म इज. सो अपॉन रिएक्शन हमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म मिलेगा कुछ इस तरह से. सो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कैन बी गिवन इन दिस मैनर. नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को हम क्लोरोपिक्रिन भी बोल सकते हैं, क्लोरोपिक्रिन.
सो इट इज यूज एज अ टीयर वॉर गैस. सो पहले के जो जमाने में क्या बोलते हैं उसको लड़ाइयां होती थी, तो वहां पे पॉइजनस गैसेस को वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था. सो क्लोरोफिकरीन इज वन ऑफ द वेपन्स यूज्ड एट दैट टाइम. अभी भी टीयर गैस के तौर पे इसका इस्तेमाल पुलिस लोग करते हैं जमाव को कंट्रोल में लाने के लिए. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज एक्शन ऑफ सिल्वर पाउडर. एक्शन ऑफ सिल्वर पाउडर. देखिए क्लोरोफॉर्म को अगर हम सिल्वर के साथ ट्रीट करते हैं, सिल्वर पाउडर के साथ, तो हमें एसिटिलीन मिलेगा. सो CHCl3 दिस इज क्लोरोफॉर्म व्हेन हीटेड विथ सिल्वर पाउडर. सो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, दिस इज क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ हीट करने के बाद कपलिंग होगा एंड दैट विल लीड टू The formation of acetylene. So हमें acetylene मिलेगा as a product. अब इसके बाद let's have action of acetone. So action of acetone. So chloroform reacts with acetone producing chloritone. Chloritone drug है जिसे हम hypnotic के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. So chloroform reacts with acetone to form chloritone, that is hypnotic. ये hypnotic के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं. अब इसको देखिए किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं. Acetone can be given in this manner. So when treated with CHCl3, then simple addition takes place. यहाँ पे addition होगा और addition product जो है that can be given in this manner and this is called as chloritone. यही हमारा chloritone है, ये acetone था and this is chloroform. So chloritone used as an hypnotic drug. Now next is reaction with sodium ethoxide. So sodium ethoxide के साथ ethyl orthoformate हमारा product होगा. So let's have reaction with sodium ethoxide. Reaction with sodium ethoxide. So chloroform reacts with sodium ethoxide producing sodium orthoformate. So chloroform को हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं. सोडियम इथोक्साइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द सोडियम इथोक्साइड. सो इसको अगर हम हीट करेंगे, दिस इज क्लोरोफॉर्म. सो सिंपल सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सपेक्टेड प्रोड्यूसिंग दिस. सो ये हमारा प्रोडक्ट होगा along with what NaCl. This is called ethyl orthoformate. This is called ethyl orthoformate. ये हमारा product होगा. अब इसके बाद most famous carbyl amine reaction, जिसे alkyl isocyanide test भी कहा जाता है. So carbyl amine reaction is a test to detect primary amine एज वेल एज क्लोरोफॉर्म फ्रॉम ए गिवन सैंपल. मान के चलो आपको किसी ने क्लोरोफॉर्म दे दिया इन ए सैंपल, लेकिन आपको पहचानना है तो आप इस रिएक्शन से पहचान सकते हो. सो लेट्स हैव कार्बिल अमीन रिएक्शन. सो इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म इज बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KOH टू गेट अल्किल आइसोसाइनाइड. सो मिक्सचर ऑफ 1 degree amine and chloroform is boiled with alcoholic KOH to form alkyl isocyanide. Alkyl isocyanide को हम लोग carbyl amine बुलाते हैं. So
विच हैज वेरी डिसएग्रीएबल स्मेल। इसको देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन का जनरल रिप्रेजेंटेशन RnH2, सो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म इज बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KOH। ऐसा करने से अल्फा एलिमिनेशन होगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आइसोसाइनाइड। दिस इज अल्किल आइसोसाइनाइड। अल्किल आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बिल अमीन बुलाते हैं। दिस इज 1 डिग्री अमीन, दिस इज क्लोरोफॉर्म। सो अल्किल आइसोसाइनाइड हैज वेरी वेरी डिसएग्रीएबल स्मेल। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज द रीमर टीमैन रिएक्शन। देखिए रीमर टीमैन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें फिनॉल को, जैसे दिस इज फिनॉल, सो व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज CsCl3 एंड एक्वियस NaOH, इस मिक्सचर के साथ जब आप हीट करेंगे तब आपको सैलिसिल अल्डिहाइड मिलेगा। यू विल हैव सैलिसिल अल्डिहाइड, दिस इज सैलिसिल अल्डिहाइड एंड दिस वॉज फेनॉल। रिएक्शन इज मोस्ट पॉपुलरली नोन एज रीमर टीमैन रिएक्शन। सो रीमर टीमैन रिएक्शन में कार्बिन्स इंटरमीडिएट के तौर पे प्रोड्यूस होता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब इसके बाद यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हैज वाइटल एप्लीकेशंस इन डे टू डे लाइफ। सो लेट्स हैव यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। सबसे पहला यूज, इसे सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। सो इट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, जैसे कि रबर, गम, ऑयल, फैट, रेसिन, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड एज एनास्थेटिक एनास्थेटिक एजेंट इन सर्जरी। सर्जरी में एनास्थेटिक एजेंट के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट इज यूज टू प्रिपेयर क्लोरीटोन। क्लोरीटोन हिप्नोटिक है यानी ड्रग है। उसके बाद क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस है। सो इट इज यूज टू प्रिपेयर क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन दैट इज टीयर गैस। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो इट वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म।